नमस्कार। आज माता का आंचल इस चैप्टर के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप अपने नोट्स इसको देख करके बना सकते हो। तो पहला है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देख कर के सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उनके साथ खेलना उसे अच्छा लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से बच्चा खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ नहीं होती है। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। बच्चे को अपने साथियों के बीच में सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है और यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देख करके सिसकना भूल जाता है। आज मैं आपको पाठ के कठिन प्रश्न जो वर्ड्स हैं वो भी बीच में बता रही हूँ, तो आप इसमें से देख करके समझ सकते हैं। जो हमारे जैसे मृदंग शब्द इसमें आया है, मृदंग जो होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। अन्य शब्द आप यहाँ पर देख करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं जिससे सारे वर्ड्स आपको लर्न हो जाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेल की सामग्री से किस प्रकार से भिन्न है? भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेल सामग्री में कल्पना से अधिक अंतर आ गया है। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे जिससे खेलने की स्वच्छंदता थी। बाहरी घटनाओं अपहरण आदि का भय नहीं था। खेल की सामग्रियां बच्चों के द्वारा स्वयं निर्मित थी। घर की अनुपयोगी वस्तु ही उनकी खेल की सामग्री बन जाती थी जिससे किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। ना कोई रोक, ना कोई डर, ना किसी का निर्देशन। जो था वह सब सामूहिक बुद्धि की उपज था। आज भोलानाथ के समय से सर्वथा भिन्न खेल और खेल सामग्री और ऊपर से बड़ों का निर्देशन और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी रहता है। आज खेल सामग्री स्वनिर्मित ना होकर के बाजार से खरीदी हुई होती है। खेल की समय सीमा भी तय कर दी जाती है, अतः स्वच्छता नहीं होती है। धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय नहीं होता है। प्रश्न आ जाता है कि पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। उत्तर कैसे लिखेंगे? पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप और बच्चों के पीछे पड़ जाता है। तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिप करके सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक हैं। विशेष रूप से बच्चों के पिता का मित्रतापूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज, शादी या खेती का खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है जो सभी पाठकों को गुदगुदा देता है। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर इस तरह से है कि आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर इस उपन्यास के अंश को पढ़कर के ऐसा लगता है कि कैसी अच्छी रही होगी वह समूह संस्कृति जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने वाले का बोध कराती थी। आज ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते हैं। पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई है, अतः ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वे दृश्य दिखाई नहीं देते हैं जो 30 के दशक में रहे होंगे। आज घर सिमट गए हैं। घरों के आगे चबूतरों का प्रचलन समाप्त हो गया है। आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया जिससे समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते। आज बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं। खेल खर्चीले हो गए हैं। जो परिवार खर्च नहीं कर पाते हैं वे बच्चों की हीन भावना से बचाने के लिए समूह में जाने से रोकते हैं। आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है। घरों के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे। लोग स्वयं डिब्बों जैसे घरों में
रहने लगे हैं। नेक्स्ट हमारा जो हम लेकर के प्रश्न चल रहे हैं वह है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। पिता का अपने साथ बच्चे को नहला दुला कर पूजा में बैठा लेना, माथे पर तिलक लगाना और फिर कंधे पर बैठा कर गंगा तक ले जाना, लौटते समय पेड़ पर बैठा कर झूला झूलाना, कितना मनोहारी दृश्य उत्पन्न करता है। पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चों के गालों का चुम्मा लेना, बच्चे के द्वारा पूंछे पकड़ने पर बनावटी रोने रोने का नाटक और शिशु को हंस पड़ना अत्यंत जीवंत लगते हैं। माँ के द्वारा गोरस भात, तोता मैना आदि के नाम पर खिलाना, उबटना, शिशु का श्रृंगार करना और शिशु का सिसकना, जैसे ही बच्चों की टोली को देखना सिसकना बंद कर देना, विविध प्रकार के खेल खेलना और मूसन तिवारी को चिढ़ाना आदि अद्भुत दृश्य उकेरे गए हैं। वे सभी दृश्य अपने शैशव की याद दिलाते हैं।